नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं एक खास टॉपिक पे आपको जानकारी देने वाला हूं। अभी कल परसों ही की बात है, एक पेशेंट मेरे को पूछ रहा था, सर ये यूरिन में पेशाब में शुगर दिख रहा है तो ये बहुत खतरनाक है क्या, कि डायबिटीज बहुत मेरा बढ़ गया या ऐसा कुछ होता है तभी पेशाब में यूरिन में मतलब शुगर आना चालू होता है क्या। तो मैंने सोचा कि आप सभी के मन में भी, काफी सारे पेशेंट के मन में ये डाउट रहता है कि पेशाब में शुगर आना मतलब बहुत खतरनाक चीज है क्या। तो आज का इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एक चीज समझ लीजिए, अब से थोड़े साल पहले आप अगर चले जाओ, एक हाथ दो डिकेड पीछे चले जाओ, तो वो टाइम पे ना ग्लूकोमीटर्स वगैरह नहीं होते थे। तो ना वो टाइम पे नॉर्मली, या अगर कोई गांव वाला जगह है जहां पे लैब्स वगैरह इतने फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, मैं थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, 10-20 साल पहले की। अभी भी कुछ कुछ गांव में शायद इतना लैब वगैरह नहीं रहता है कि जहाँ पे इमीडिएटली टेस्टिंग हो जाए, पर काफी सारा अभी इंडिया में डेवलप हुआ है और काफी सारे जब जगह लैब्स वगैरह आ गए। पर पहले के टाइम में आप जानने देखने जाओ ना, तो वो टाइम पे ना इतने लैब्स वगैरह फ्रीक्वेंटली नहीं थे, स्पेशली खेड़े के साइड में, मतलब गाँव के साइड में वगैरह। तो वो टाइम पे ना शुगर कितनी बढ़ी है वो देखने के लिए ना हम लोग यूरिन टेस्ट का इस्तेमाल करते थे। अभी यूरिन टेस्ट का इस्तेमाल कैसे करते थे कि ऐसा समझ लीजिए, शुगर जब भी 180 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के ऊपर, मतलब 180 के ऊपर जब भी खून में जाती है ना, तो वो पेशाब में आना चालू होती है, इसको रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो जो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले पेशेंट है जिनका शुगर 250-300 जाता था खाने के बाद, तो उनके पेशाब में ऑब्वियसली यूरिन में शुगर आती थी। तो भले लैब वगैरह नहीं भी रहे तो भी डिप स्टिक करके मेथड आता था, एक स्टिक्स आते थे कि वो डुबाने से पता चलता था कलर मैच करके कि पेशाब में शुगर है कि नहीं, तो ये काफी आसानी से चेक किया जाता था। पर जैसे जैसे लैब एडवांस होने लगे, टेक्निक्स एडवांस होने लगी, सब जगह अभी ग्लूकोमीटर मिलने लगे हैं, जब ब्लड की शुगर ही आराम से मिलने की, पहले के टाइम पे स्ट्रिप्स भी बहुत महंगे आते थे, ग्लूकोमीटर भी काफी कॉस्टली आते थे, CGMS वगैरह ये सब प्रकार नहीं था, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग नहीं था, तो ये सब चीजें अभी टेक्निकली काफी एडवांस होने लगी है। तो उसके पहले के टाइम पे ना ये सब चीजें नहीं थी, तो वो टाइम पे यूरिन पे चेक करना शुगर काफी अच्छा वाला रीजन, मतलब पता चल जाता था। क्योंकि आप देखोगे तो जब भी शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड रहेगी, 180 का तो रीनल थ्रेशोल्ड है, तो जब भी शुगर 200-250-300 जाती है तभी वो यूरिन में आती है, और उतने 1-2-3-4 प्लस कितना भी, मतलब जितना शुगर ज्यादा रहेगा खून में उतना ज्यादा यूरिन में आता था, तो वो स्टिक से पता चलता था। अभी यूरिन पेशाब में आना बहुत डेंजर है क्या, तो पहला तो चीज समझ लीजिए, अगर कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाला आदमी है, मतलब जो गोलियां नहीं खा रहा है या गोलियां खाने के बावजूद भी उसका खून का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली 180 के ऊपर जा रहा होगा तो पेशाब में शुगर आएगी। तो पेशाब में अगर शुगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि शुगर अनकंट्रोल्ड है। पर अभी आसानी से ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, ग्लूकोमीटर मशीन भी अवेलेबल है, तो आप सीधा लैब में जाके फास्टिंग PPHb1c चेक कर सकते हो और अपना शुगर जान सकते हो कितना है। तो अभी वो यूरिन में शुगर आना बहुत डेंजर है वो इतना मतलब समझ लीजिए उसका महत्व इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि हम लोग के पास अभी टेस्ट आ गए, तो आप सीधा फास्टिंग बीपी ब्लड में चेक कर लो, और ज्यादा रहेगा तो आप डॉक्टर से मिलके गोलियां कर सकते हो। अभी इसके अलावा भी अभी कुछ मेडिसिन जो डायबिटीज की आई है, स्पेशली जो SGLT2 इनहिबिटर्स है, जिसमें आप देखोगे तो एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, रेमोग्लिफ्लोजिन, ऐसे प्रकार की जो गोलियां रहती है, कैनाग्लिफ्लोजिन, ये आती है आमतौर पर। अभी डापाग्लिफ्लोजिन काफी यूज हो रहा है और काफी सारे कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं, काफी अच्छा ड्रग है। ये बेसिकली क्या करता है, किडनी पे एक्ट होता है और एक्स्ट्रा खून वाली शुगर पेशाब में से बाहर फेंकता है। तो जो भी पेशेंट ये दवाई पे है उनमें यूरिन में हमेशा शुगर पॉजिटिव ही दिखेगी। तो जो भी पेशेंट, भले उनका शुगर फास्टिंग 100 चल रहा है, 150 चल रहा है शुगर, तो भी वो गोली के कारण पेशाब में शुगर प्लस आ रही है। तो ऐसे पेशेंट में तो पहले तो चीज, ये ड्रग काफी अच्छा है, SGLT2 इनहिबिटर्स, डापाग्लिफ्लोजिन या ऐसा कोई भी कैटेगरी का ड्रग जो हार्ट और किडनी को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे ड्रग के वजह से काफी अच्छा रिजल्ट है और शुगर कंट्रोल भी काफी अच्छा रहता है। तो यूरिन में अगर आ भी रहा है शुगर थोड़ा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो ये चीज समझ लीजिए। हाँ, पर अगर समझ लीजिए कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाला पेशेंट है जो गोलियां ही नहीं खा रहा है और शुगर 300-400 चल रही है, और यूरिन में अगर उसके शुगर आ रही है, तो इसका मतलब है उसने ध्यान देना है और उसने डॉक्टर से मिलकर दवाइयां चालू करनी है। तो इंटरप्रिटेशन, आप शुगर में, पेशाब में शुगर जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है ना, इस पे देखने से अपने को पता चलेगा कि वो खतरनाक है कि नहीं। अगर कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाला 300-400 शुगर चल रही है और 180 के ऊपर रीनल थ्रेशोल्ड है, तो पेशाब में अगर समझ लीजिए शुगर आ रही है तो ऑब्वियसली खतरनाक चीज है, क्योंकि उसको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। पर कोई पेशेंट है
कि जिनको ऑलरेडी शुगर अच्छा कंट्रोल में, उसको एचबीएनसी मेंटेन है, पर वो कोई SGLT2 जैसे दवाई पे के वजह से खा रहा है, मतलब जो दापाग्लिफ्लोजिन वगैरह ऐसी कोई कैटेगरी की SGLT2 वाली दवाई खा रहा है और जिसके कारण यूरिन में शुगर प्लस दिख रहा है, तो वो तो कोई अच्छा, वो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वो दवाई के वजह से है और दवाई का मोड ऑफ एक्शन ही वैसा है, वो किडनी पे ही एक्ट होती है और एक्स्ट्रा शुगर ही पेशाब में से फेंक रही इसलिए प्लस आ रहा है, तो वैसे पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज बताऊंगा, अगर यूरिन में पेशाब में अगर समझ लीजिए शुगर आ रही है, तो मेन चीज क्या गड़बड़ होती है कि पेशाब का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे तो अगर यूरिन में अगर समझ लीजिए शुगर आ रही है, तो इससे एक तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली औरतों में ये काफी पाया जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई दवाई पे हो और आपको अगर तकलीफ हो रही है कि पेशाब में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो आपके जो भी डायबिटोलॉजिस्ट या कंसल्टिंग डॉक्टर रहेंगे उनसे आप मिलिएगा और इसके बारे में उनको जानकारी दीजिएगा, तो वो अकॉर्डिंगली डोज थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं या कोई नई सब्स्टिट्यूट वाली और कोई दवाई पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मेन बताने का उद्देश्य था, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट्स रहते कि पेशाब में यूरिन में शुगर आना खतरनाक है क्या करके, तो खतरनाक ऐसा नहीं है, पर इंटरप्रेट करना जरूरी है आपको कि क्या चीज के वजह से वो है इतना, तो डोलिया नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या गोली खा रहे हो और उसके SGLT2 इनहिबिटर के वजह से आपके पेशाब में डायबिटीज मतलब शुगर दिख रही है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।